नमस्ते प्रणाम गोर छुके गोर रखा तानी तो रघु वाले कैसे बनी जरूर कमेंट में बताए दोस्तों। और साँझ का टाइम है दोस्तों, हम लोग आए थे मार्केट करने मोतीराम, काम करने जो हुआ नहीं दोस्तों। और यहाँ पे मेरी भांजी भी है दोस्तों। बाबू का तबीयत ख़राब हो गया है, हम लोग आए जाके डॉक्टर के पास बाबू को दिखाने। और यहाँ पे सुहानी सो गई, आप लोग देख सकते हैं, मैं टेम्पो में ही बैठी हूँ। और यहाँ पे बहनी है, हमारी दीदी है और नेपाल वाली दुल्हन है। इधर आवा दोस्तों, ये सब बात है, मैं सोची थोड़ा सा वीडियो बना लूँ तो आप लोग पूरा बने रहिएगा। और बताइएगा कैसा लगा दोस्तों, मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, बताइएगा कैसा लगा। और दोस्तों क्या मैं आप लोगों से बताऊँ, अभी लोग दिखाऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है नज़ारा आगे का, यहाँ से नहीं लौटेगा तो आप लोग पूरा वीडियो बने रहिएगा। देखिए चल गई है, मैं तो फिर भी जरूर क्या था मामू लोग सब्सक्राइब कर लिया, मामू सब्सक्राइब कर लिया। देखिए दोस्तों इसका आवाज़ बहुत अच्छा लगता है भांजी का हमारी। और दोस्तों मैं गई थी सुहानी के लिए चप्पल उप्पल लेने, कुछ भी नहीं मिला दोस्तों यहाँ पे, अब लाना पड़ेगा गोरखपुर से। अब गोरखपुर कल जाएंगे तो लेकर आएंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, और मैं आ गई हूँ किचन में। दोस्तों खांसी आ रहा है बार बार, थोड़ा लगा तबीयत, मौसम चेंज हुआ इसलिए तबीयत खराब हो गया है दोस्तों। और देख सकते हैं मेरी सुहानी बेटी है, पक्का बैठी है, आप लोग देख सकते हैं पक्का कितना गलता है दोस्तों। पाप इसके पापा नहीं है खिलाने वाले, इसीलिए मैं इसको किचन में लेकर आई हूँ खाना बनाने के लिए। और देख सकते हैं यहाँ पर भिंडी भी है, और दोस्तों वहाँ पे आटा सना रखा गया है, रोटी सब्जी बनेगा। और मेरी सुहानी मैं इसको कहाँ लेकर जाऊँ, तो किचन में आई हूँ तो किचन में इसको बैठाई हूँ, और ये बैठ के खेलेगी, मैं खाना बनाऊँगी। और देख सकते हैं मेरी बेटी बरस भी ली है, तो यहाँ सुबह को बरस कर रहा है, मेरी बेटी शाम में बरस करती है, दो बरस ली है। तो दोस्तों यही सब बात है, अब इसके पापा कब आएँगे हमको नहीं पता है, अभी आएँगे एक आध दो घंटे बाद, चाहे एक घंटे बाद, चाहे आधे घंटे बाद वो आएंगे। तो दोस्तों ये सब बात है, और मैं आपसे क्या बताऊँ दोस्तों, शाम हो गया ज़्यादा, खाना बनाने का टाइम, कुछ लोग खाना बना चुके होंगे, हमारे यहाँ भी नहीं बनाए दोस्तों। और मैं क्या आप लोग से बताऊँ, तो मैं बाजार हो गया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया दोस्तों, इतना महंगा महंगा सामान बिक रहा है दोस्तों इसीलिए। और सुहानी को लेके गई थी, सुहानी विशाखा दुकान पे गई थी, इतना परेशान कर रही थी, इतना परेशान की है कि हम आप लोग से क्या बताऊँ। सुहानी देख सकते हैं भिंडी में छीट ली, कितना अच्छा लग रहा है इसको। सुहानी बेटा देख सकते हैं आप लोग, तो दोस्तों इस सब बात है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, प्यार दुलार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो बताइएगा, प्यार प्यारा कमेंट करिएगा। और दोस्तों कल मैं ब्लॉग सवेरे डाल दी थी, आज नहीं ब्लॉग डाली हूँ, मैं इतनी देर के ब्लॉग डाल रही हूँ, तब पूरा वीडियो देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। मेरी सुहानी के लिए आप लोग सपोर्ट करिएगा, प्यार दुलार दीजिएगा। और मेरा एक नया बेबी आने वाला है दोस्तों, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि लास्ट चल रहा है, कभी भी आ सकता है मेरा नया बेबी। और देख सकते मेरी बेटी लहसुन खा रही है, खाने वाला चीज़ है, तो मैं वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए अगले वीडियो में आपको बताऊंगी।